मुजफ्फरपुर जिले के टाउन थाना क्षेत्र स्थित साहू पोखर में कूदकर आभूषण कारोबारी ने आत्महत्या कर लिया। स्थानीय लोगों की मदद से उनका शव बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान मालीघाट संस्कृत कॉलेज के समीप के रहने वाले आशुतोष कुमार उर्फ मिंटू के रूप में हुई है। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई, काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर टाउन थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों से जानकारी लेने के बाद सब को लेकर सदर हॉस्पिटल पहुंचे। यहां देखते ही डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। कहा कि मृत्यु हुए काफी देर हो चुकी है, यानी जब पोखर से निकाला गया था तभी उनकी मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलने पर मृतक के परिजन भी पहुंचे। अस्पताल में चीख पुकार से कोहराम मच गया। कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सबको SKMCH भेजने की कवायद की जा रही है। मृतक के मित्र सुरेश ने बताया कि वे शुक्रवार को दुकान पर आए, दुकान खोलने के बाद कुछ देर काम भी किया, फिर मोबाइल भी दुकान में छोड़कर अचानक से निकल गए। पूछने पर बोले कि तुरंत आ रहे हैं। इसके बाद उनकी मौत की खबर आई। अभी साहू पोखर पर हम आए, मौजूद थे, हम यहाँ पर कोई बगल में थे, मालूम चला है किसी व्यक्ति के अचानक आया और 5 मिनट यहाँ बड़ा मंदिर के पास रुक कर अचानक उसमें छलांग लगा दिया। इस तरह की घटना बराबर साहू पोखर पर होती रहती है। हम हमेशा जिला प्रशासन को विनती करते हैं, DM साहब को विनती करते हैं, वो देखते ही नहीं है, इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। आज कहीं सभा हो तो बैरिकेड के लिए करोड़ों रुपए खर्चा किसी नेता के लिए हो जाता है, लेकिन आज साहू पोखर पर इस तरह की घटना बराबर जो होती रहती है, एक भी बैरिकेड के लिए कोई सवाल नहीं DM साहब उठाते हैं, किसी तरह की बात नहीं हो पाती है। आज जितने भी कानून के दायरे में, कानून के धारा में लिखा ही हुआ है कि स्विमिंग पूल में 8 फीट पानी मौजूद रहना चाहिए, जो आदमी डूबे नहीं, आज साहू पोखर पर 80 फीट पानी है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। आखिर किसी भी तालाब का 6 फीट से 7 फीट पानी होना चाहिए, इस तालाब का 80 फीट पानी है, और जिसके कारण आए दिन यह घटना घटती रहती है। यहाँ लोग आकर डूबते रहते हैं, कोई तैरने के बजाय डूब जाता है, कोई खीस में आकर कूद जाता है, इस तरह की घटना बराबर यहाँ घटती रहती है। हम मांग करते हैं कि अवश्य जल्दी, अगर इस तरह की घटनाएँ बराबर नहीं सीख लेंगे हमारे जिला प्रशासन, हमारे DM साहब, तो आगे इस तरह की यहाँ हम लोग चारों बगल ताला मार देंगे, यहाँ पर साहू पोखर को बंद कर देंगे, ताकि यहाँ कोई आदमी बैठ नहीं सके ना आ सके। अगर ये अविलंब ध्यान नहीं दिया जाए तो इस तरह की घटना बराबर होती रहेगी। अभी कुछ दिन के बाद शिविर यहाँ लगने वाला है, कांवड़िया लोग आएंगे यहाँ, उस समय किसी घटना के लेकर अगर कोई डूब जाता है तो इसकी जवाबदेही कौन लेगी? आप DM साहब, आप जिला के मालिक है, आपको ये सब बात जानकारी होना चाहिए कि इस तरह की घटना बराबर साहू पोखर घट रही है, इस पर अविलंब ध्यान दिया जाए। क्या परिचय हुआ? मेरा विक्रम सराफ, भारतीय सेवा दल छठ पूजा समिति के अध्यक्ष है। हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, उस आदमी ने वहाँ खड़ा हुआ, कुछ देर खड़ा होने के बाद में वो छलांग मार दिया। छलांग मारने के बाद तो वहाँ तो हाफ सीढ़ी ना है, वहाँ भी बैठा हुआ था, तो हम लोग यहाँ से दौड़ने गए तो सीढ़ी पार करके वो नीचे डूब गया, तो हम लोग बिन कपड़ा देखे हुए कूद गए। तो कूदने के बाद में एक शिवू भी कूदा और दोनों आदमी मिल के उसको निकाल के बाहर रखे, पेट उठ उसका चापे उपे वहीं पे। उसके बाद उस कुछ महसूस हुआ कि है बच जाएगा भगवान की कृपा से, तो लाए बाहर के निकाल के वही देख रहे चाप उप को देख रहे, तो मुँह से फेनू निकल रहा है और सांस का कोई चौके भी देखे थे, नहीं कुछ बुझाया। अब भगवान जाए, बुरी सीवी जाने जो बच जाए, समझे? यही हम लोग है। नहीं, ये तो मालूम है, अगल बगल का होगा, हम लोग तो जानते नहीं हैं, चीने रहते तो आपको बोलते कि हाँ। नाम क्या हुआ? दिलीप कुमार महतो। आज मुझे मालूम चला कि आज फिर से एक साहू पोखर पर एक युवक की डूबने की खबर मिली। जैसा ही मैंने पहुंचा तब तक यहाँ पर जो उसका शव था वो लेकर पुलिस प्रशासन चले गए थे, और जब यहाँ देखे तो वहाँ पर उसका जो चप्पल था वो था, और पता चला कि स्थानीय दो युवा, एक मतलब शिवू पटेल और एक टार्जन महतो के द्वारा निकाला गया और उसको पुलिस ले गई। पर आए दिन साहू पोखर पर घटना जो घटती रहती है, जो कि बहुत दुखद है। अभी लगातार दो मौत हो चुकी है और लगातार हम लोग जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पोखर मतलब सुरक्षा व्यवस्था होना चाहिए, यानी कि जो लोहा का बैरिकेडिंग और जंजीर होना चाहिए, पर आज तक जिला प्रशासन इस बात पर ध्यान नहीं दिए। और अभी सावन का समय आ चुका है,
कांवड़िया यहाँ पे रहते भी है, स्नान भी करते हैं और रुकते भी है और नहाते भी है, और पानी इतना भरा हुआ है कि कभी भी फिर से घटना घट सकती है। तो फिर से मैं जिला परिषद से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इस पोखर पर लोहा का बैरिकेडिंग और जंजीर लगाया जाए ताकि फिर से यह घटना न घटे। संजय रजक। देखने का इसी महीने में बहुत लाश मिले, क्या रखवाई किया, किस कारण से किया? ये अभी आज का घटना ये है कि अभी कुछ देर पहले हमको मालूम चला कि एक व्यक्ति डूब गया है, जब आए तब तक मतलब वो व्यक्ति को स्थानीय युवा के द्वारा मतलब कि निकाल दिया गया, और पुलिस प्रशासन भी थी और वो लेके चली गई, और जो कि दुखद है। और अभी मतलब ये साव पोखर पे हमेशा साल में दो तीन चार मौत होती रहती है, जो कि बहुत दुखद है, और लगातार लोग को मतलब प्रशासन ये मांग किया जाता है कि इसमें सुरक्षा व्यवस्था किया जाए ताकि कोई दोबारा घटना ना हो। अभी सावन का समय है, अभी सावन का समय चल रहा है, और कांवड़िया का यहाँ पर स्थल भी है, लोग कांवड़िया यहाँ निहाते भी है, और अभी देखिए कि जहाँ पे 8 फुट 10 फुट पानी होना चाहिए पोखर में, यहाँ 80 फुट पानी है, जो कि बहुत दुखद है, और अभी तक यहाँ पे कोई बैरिकेडिंग की व्यवस्था नहीं की गई है। और मैं संजय रजक, और अब मैं जिला प्रशासन से यह मांग करता हूँ कि इस पोखर का पानी, ये जो मृत्यु हुई कहाँ की है, ये अभी तक मृत्यु का जो मृत्यु हुई इसका पता नहीं चल पाया है कि कहाँ के है नहीं है, पर स्थानीय युवा के द्वारा मतलब कि आपका यहाँ पर घर है? हाँ, यहाँ बगल में घर मेरा हुआ। कैसे ये घटना हुई? ये घटना तो नहीं मालूम चला कि अभी यहाँ पे डूब गए हैं, तो हम लोग आए, वो सीधे आया और पानी में सीधे पर उतर के कूद गया, यहाँ कुछ लोग और आए दिन ये घटना घटती रहती है पोखर में, ये बहुत दुखद है। हम लोग जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस पोखर में मतलब कि लोहा का बैरिकेडिंग जंजीर लगाया जाए ताकि ये घटना बंद न हो, नहीं तो आए दिन ये घटना फिर से घटती रहेगी और फिर प्रशासन फिर मतलब सोती रहेगी। नाम बताइए। संजय रजक। बचाए कौन है? मेरे साथ दुकान पर आए हैं 10 बजे, दुकान खोल के बैठे हैं, थोड़ा बहुत काम हक हल्का किए हैं, एक बनकी का भी काम किए हैं, बनकी काम करने के बाद में वो थोड़ा के लिए बोले हैं बाज़ार से आ रहे हैं, घूम के गए हैं, गाड़ी मेरे दुकान पर लगा हुआ है, पहले निकले हैं तो हल्के में आते हैं, आने के मालूम चला है कि भाई साहब आए, बोले मिंटू जी कहाँ हैं, हमको पता नहीं चला, तो पता चला कि ऐसे ऐसे काम कर लिए हैं, डूब गए पानी में, तो हम मालूम चला थे हम यहाँ पर आए हैं सदा सवाल में। डेट हो गया उनका, दो बाल बच्चा है, कुछ ज़्यादा प्रेशर में रहते थे अभी तक। अरे कारण क्या रहा, क्या तनाव का? तनाव के पैसे के लगता है कि तनाव रहा होगा उनको, क्या पैसा लेने का लोन देने, कुछ पैसा कुछ लेकर उन लोग बैठा हुआ है, कोरोना काल में जो हुआ था ना, तो कुछ पैसा तो लेकर इधर लगाए हुए थे, सब लेकर सब बैठा हुआ था, दे नहीं रहा था, वो पैसा लगाए हुए। हाँ, वही पैसा 15-16 लाख रुपये लगाए हुए होंगे। ब्याज व्याज पे? हाँ, उसी से घर द्वार चलता था। पैसा रिकवर नहीं हो रहा? नहीं, नहीं दे रहा कोई, रोज आज भी हमें कर रहा है, दे ना रहा कोई। कर्ज वगैरह भी था? कर्ज नहीं है। क्या नाम हुआ? मिंटू जी नाम है उनका। घर कहाँ हुआ? संतकी कॉलेज से पीछे। उम्र क्या होगा? उम्र क्या होगा? उम्र 35-40 होगा, 40 होगा आसपास होगा। दो को बच्चा है, एक बेटा है, बेटी है। कितने दिन का होगा? बेटा होगा 15-16 साल, बेटी होगा 20 साल के आसपास। प्रॉपर ये लोग यहीं के रहने वाले? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश कुमार। आप कौन हुए उनके? हमका मित्र हैं।